जिला निर्वाचन अधिकारी शिवाकांत द्विवेदी की अध्यक्षता में नेहरू हॉल के सभागार में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर ईवीएम व वीवीपैट के संबंध में प्रशिक्षण तथा मतदाता जागरूकता कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस अवसर पर इंजीनियर कुलभूषण सिंह द्वारा मास्टर ट्रेनरों को ईवीएम व वीवीपैट संचालन के संबंध में प्रोजेक्टर के माध्यम से प्रशिक्षण दिया गया। इसी के साथ साथ ईवीएम व वीवीपैट के संचालन हेतु भौतिक प्रशिक्षण भी हुआ। इस अवसर पर मास्टर ट्रेनरों द्वारा ईवीएम और वीवीपैट के संचालन में होने वाली समस्याओं का जिक्र किया गया, जिसका मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। इस अवसर पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी नरेंद्र सिंह, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव, समस्त उप जिलाधिकारी, तहसीलदार के साथ साथ मास्टर ट्रेनर मौजूद रहे। बुधवार से जनपद में सांस्कृतिक महाकुंभ के सबसे बड़े आयोजन हुनर रंग महोत्सव की शुरुआत हो गई। महोत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे जिलाधिकारी शिवाकांत द्विवेदी, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर पीयूष सिंह यादव, सगड़ी विधायक वंदना सिंह, पूर्व पालिका अध्यक्ष इंदिरा देवी जायसवाल ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर महोत्सव का शुभारंभ किया। नगर के हृदय स्थल चौक क्षेत्र स्थित वेस्ले इंटर कॉलेज के प्रांगण में आयोजित हो रहा हुनर रंग महोत्सव आगामी 30 दिसंबर तक चलेगा। महोत्सव में 14 प्रदेशों से आए कलाकार व उनकी टीमें अपनी अपनी प्रस्तुतियां दे रही हैं। महोत्सव के श्री गणेश अवसर पर सर्वथा कई नई प्रस्तुतियां सामने आईं। फिर चाहे वह गणेश वंदना रही हो या फिर शक्ति स्वरूपा माँ दुर्गा की ही स्तुति क्यों न रही हो, महोत्सव के मन से दोनों प्रस्तुतियों ने लोगों के रोम रोम को भक्ति के रंग में रंग दिया।
महोत्सव के दौरान जिलाधिकारी शिवाकांत द्विवेदी ने महोत्सव के आयोजन पर प्रसन्नता जाहिर करते हुए उसके द्वारा किए जा रहे राष्ट्रीय एकता व अखंडता के संदेश को सबसे महत्वपूर्ण बताया। रंग महोत्सव का कार्यक्रम बहुत ही अच्छा है ये, और विगत कई वर्षों से जनपद आजमगढ़ में आयोजित हो रहा है। देश के विभिन्न क्षेत्रों से, विभिन्न प्रांतों से इसमें कलाकार आते हैं और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं, लोगों का मनोरंजन करते हैं और साथ ही बहुत बड़ा संदेश देते हैं आतंकवाद के खिलाफ़, सांप्रदायिकता के खिलाफ, और साथ ही ये संदेश देते हैं आपसी भाईचारे के लिए, भ्रातृभाव के लिए और राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए। ये कार्यक्रम बहुत ही सराहनीय है और इसके आयोजक विश्वकर्मा जी को मैं बधाई देता हूँ और जो इसमें पार्टिसिपेंट हैं उनको भी मैं हार्दिक शुभकामना बधाई देता हूँ। श्री कृष्ण गौशाला समिति के शताब्दी वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के तीसरे दिन भी भक्ति गंगा बही। कथावाचिका राधा किशोरी ने कथा के जरिए श्रोताओं का मार्गदर्शन किया। उन्होंने कहा कि भगवान के दर्शन के लिए गुरु का होना जरूरी है। कथा को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि भगवान ने जो हमें दिया है उसी का हम सदुपयोग सही से नहीं कर पाते। शरीर दिया उसका सदुपयोग नहीं, मन दिया उसका सदुपयोग नहीं, दुरुपयोग करना सभी जानते हैं। हमें सदुपयोग करना सीखना होगा, दुरुपयोग तो दुनिया कर रही है। प्रभु मुझे कुछ नहीं, मुझे मात्र आपकी भक्ति चाहिए। ऐसी बात सुनते भगवान कहते भक्त तो बड़ा ज्ञानी है। ध्रुव जी महाराज जाते हैं, पिताजी ने भव्य स्वागत किया, ध्रुव जी को राज आसन पर बिठाया और श्री युक्तानुपाद महाराज वन में क्या बड़ा कार्य करने जा रहे हैं, हमसे झुकने के लिए बोल रहे। देवी जी मृत्यु महारानी झुक गई, ध्रुव जी महाराज ने एक पैर अपने राज आसन पर है, दूसरा पैर सीधे पार्षदों के विमान में जाकर रखा। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। यही है भक्तों की कार्य, भगवान अपने आप कृपा करते हैं। जापरी कृपा राम की होई और तापरी कृपा करे सब कोई, जिस पर ठाकुर जी की कृपा हो जाती है संसार कृपा करता है। यहाँ पर आगे के प्रसंग में बड़ी सुंदर कथा आती है। ध्रुव जी के वंश में आगे में एक राजा जिनका नाम अंग, अंग के पुत्र हैं वेणु। वेणु बड़ा पापी था, ब्राह्मणों के श्राप के कारण मारा जाता है। शरीर का मंथन किया महाराज प्रथु और रानी अर्ची। प्रथु महाराज ने 99 यज्ञ किए। कितने यज्ञ किए हैं? 99 यज्ञ। महाराज साक्षात प्रकट हो जाते हैं, क्या चाहिए? महाराज प्रथु कहते हैं प्रभु 10,000 कानों की श्रवण शक्ति दे दो। कितने कानों की श्रवण शक्ति चाहिए? 10,000 कानों। अब सोचो भगवान ने हमें 2 कान दिए हैं, इनका हम ठीक से उपयोग नहीं कर पाते हैं, 10,000 मिल जाएंगे तो क्या हो? लोग किसी चीज का सही से सदुपयोग नहीं करते। शरीर दिया उसका सदुपयोग नहीं, हाथ दिए उसका सदुपयोग नहीं, मन दिया उसका सदुपयोग नहीं, दुरुपयोग करना सब जानते, मिसयूज जानते, यूज नहीं जानते। हर जीवन का सदुपयोग करना सीखिए, दुरुपयोग तो दुनिया करती है। भगवान ने इंसान बनाया है तो सदुपयोग करें, दुरुपयोग नहीं करना। राष्ट्रीय साहित्य कला संस्थान के तत्वाधान में आयोजित हो रहे अखिल भारतीय बहुभाषी नाट्य एवं लोक नृत्य समारोह के 17वें रंग महोत्सव की द्वितीय संध्या नाटकों के नाम रही। देशभर के विभिन्न प्रदेशों से आई कई टीमों ने अपने अपने नाटकों की प्रस्तुति दी। सर्वोदय पब्लिक स्कूल में आयोजित हो रहे महोत्सव की द्वितीय संध्या के दौरान नाटकों के जरिए लोगों तक सामाजिक ताने बाने को पहुँचाया गया, व्यवस्था पर व्यंग किया गया तो हास्य के जरिए भी तीर को निशाने पर छोड़ा गया। आइए हम आपको मानव से लाइफ मिलवाते हैं। हमने सुना है आप
भूखे हैं, आपको यहाँ बंद करके रखा गया है, क्या ये बात सत्य है? ये सत्य है, ये प्रश्न भूख का नहीं मानवता का है, अन्याय अतिक्रमण के संघर्ष का है। हम वार्ता के लिए तैयार हैं। आप लोग शांत रहिए, हमें मानव को सुनने दीजिए। हाँ तो मानव बताइए। जरूर, हम स्वयं आपको मिलवाएंगे, लेकिन शाम को कॉकटेल पार्टी के बाद। हाँ, उसके बाद फाइव स्टार होटल में डिनर भी होगा। डिनर? फिर एक अच्छी सी गिफ्ट भी होगी। कॉकटेल? डिनर और गिफ्ट भी होगी? डिनर गिफ्ट, रिपोर्ट क्या बनानी है सर? जोश है हड्डियों का ढांचा, फिर भी जोश है। लगता है इसके अंदर ज्वाला है, सिर्फ बाहर से खामोश है। इसीलिए कहता हूं, इससे पहले कि इसके अंदर की ज्वाला बाहर निकले, हमें खामोश कर। जैसे इच्छा कुछ सिमटने लगा, सब कुछ सिमट कर केवल एक इच्छा बची, नील क्षण भर के लिए नील। फिर वही बंसी की ध्वनि सुने, ये लगता है वक्त ध्रुव कृष्ण राजमहल वही कहीं छिपा है। सेनापति प्रजोत से कहो हमारे सामने बंदी बनाकर मध्यस्थ करे। कौन सा हथियार सबसे अधिक प्रिय है पुत्र? धनवार, तलुष भाण, वज्र या गधा? उत्तर दो, क्या सर्वप्रिय है? पीड़ा। हम तुमसे तलवार धनुष श्वान की बातें कर रहे हैं, वीणा या नुपुर की नहीं। मेरा ये पुत्र तो और उसके देश में स्त्री हस्ती स्त्री हस्ती। 28 वर्षों पहले युगों पहले, किंतु हम इसे आज भी भुला नहीं। महोत्सव के दूसरे दिन पुस्तक मेले का उद्घाटन MLC राकेश यादव और सर्वोदय पब्लिक स्कूल के प्रबंधक राजेंद्र प्रसाद यादव के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। महोत्सव के संयोजक सिद्धार्थ सिंह ने बताया कि ज्ञान संस्कृति व कला का अनुपम संगम रंग महोत्सव को नई पहचान प्रदान कर रहा है। इस सर्वोदय के प्रांगण में जो रंग महोत्सव का 17वां साल बीत रहा है, अत्यंत ही सुंदर है और कई जिलों के, छत्तीसगढ़ से लेके झारखंड और आज दिल्ली की भी एक टीम ने अपना नाटक का प्रदर्शन किया है। साथ में आज जो राष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन की चर्चा थी, उसका भी उद्घाटन श्री MLC मुन्ना यादव जी ने, राकेश यादव जी ने किया है। और इसके साथ एक इस तरफ की बहुत लंबी भीड़, ग्रामीण परिवेश के बहुत मजे हुए दर्शक जो पिछले 3 सालों से आ रहे हैं, एक लंबी भीड़ आज उमड़ी है और हमें लगता है काफ़ी रात तक इन नाटकों का मंचन, चूंकि नाटक बहुत ज़्यादा हैं इसलिए नाटकों का मंचन संध्या से शुरू होकर लगातार अभी और रात तक मुझे लगता है 4 नाटक हो पाएंगे। सुरक्षा के मद्देनज़र DB डिग्री कॉलेज प्रशासन ने कांशीराम आवास कॉलोनी की तरफ बाउंड्री खड़ी कर रास्ता अवरुद्ध कर दिया, जिसका कांशीराम आवासीय कॉलोनी के बाशिंदे जमकर विरोध कर रहे हैं। गुरुवार को कॉलोनी में रहने वाले पुरुषों, महिलाओं और बच्चों ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया और DM को ज्ञापन सौंपकर अवरुद्ध रास्ते को खुलवाने की मांग किया। इस दौरान कॉलोनी वासियों का कहना था कि
कि रास्ता बंद होने से उन्हें काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। छोटे छोटे पढ़ने वाले बच्चों को घूमकर दूसरे रास्ते से कॉलोनी में आने में दिक्कत हो रही है। अच्छा यही है कि DAV के वो लोग मतलब उसूल के लोग रास्ता हम लोग का बंद कर दिए, कह रहे इधर से तुम्हारा रास्ता नहीं है, काशीराम के आवास से उधर से रास्ता जेल के तरफ से। और सर छोटे छोटे बच्चे हैं और छोटे छोटे बच्चे हैं उसी में स्कूल जाते हैं, हम लोग मजदूर आदमी मजदूरी करने जाते हैं, देर है सवेर है हम लोग आते हैं जाते हैं, और सर हम लोग को रास्ता इधर से बंद कर दिए DAV के, अब इतना हम लोग को घूम के आना पड़ेगा जाना पड़ेगा। और छोटे छोटे बच्चे हैं, मान लीजिए हम चले जाएंगे लेकिन छोटे बच्चे कैसे जाएंगे हैं, वो स्कूल पढ़ने लिखने कैसे जाएंगे हैं। हम लोग यही चाहते हैं सर कि हम लोग को जो रास्ता था वही रास्ता हम लोग को दे दिया जाए। ऐसा है मेरे बच्चे पढ़ने जाते हैं और छोटे बच्चे हैं और कैसे बच्चे सब आएंगे, हम लोग इतना गरीब मने काम करने जाते हैं, अनूप डॉक्टर के अस्पताल और हम लोग रातोपुर में काम करते हैं, हम लोग कितना घूम के जाएंगे काम करने, हम लोग रास्ता चाहते हैं भैया, और हम लोग रास्ता चाहते हैं कि हम लोग को रास्ता दे। आजमगढ़ मंडल अंतर्गत मऊ जनपद में बन रहे नेशनल हाईवे 29 के निर्माण के दौरान सैकड़ों ग्रामीणों का मुआवजा कार्यदायी कंपनी JP एसोसिएट द्वारा नहीं देने के विरोध में आजमगढ़ कमिश्नर के यहां पहुंचकर पीड़ित किसानों ने प्रदर्शन किया, गांव में मशीनों के आगे लेट गए। बताया कि PM के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से CM के क्षेत्र गोरखपुर तक वाया मऊ होते हुए NH-29 का निर्माण हो रहा है। मऊ के घोसी तहसील के कादीपुर समेत कई गांवों के सैकड़ों किसानों की जमीन ली गई और मुआवजा भी नहीं दिया जा रहा। हलफनामा लेकर कहा गया कि 2 माह में भुगतान होगा लेकिन 5 माह बाद भी कुछ नहीं हो सका, उल्टे धमकी कार्यदायी कंपनी के अधिकारियों द्वारा दी जा रही है। मऊ के जिलाधिकारी से लेकर आजमगढ़ में कमिश्नर के यहाँ दौड़ रहे हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। कई बार ग्रामीणों ने सड़क निर्माण में लगी मशीनों के आगे लेटकर विरोध किया लेकिन कुछ नहीं हो सका।